जब मैं इसके अंदर कपड़े डालती हूँ तो मशीन जो है स्पिन पर जाने के बजाय बार बार रिंस पर चली जाती है और पानी लेना शुरू कर देती है, जबकि मशीन स्पिन नहीं करती। क्या आपको इस तरह की कोई प्रॉब्लम आती है? तो ये वीडियो है आपके लिए। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आप मुझे फेसबुक और इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई हिना सुहेल एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल हिनाज हेवन, मेरा घर मेरी जन्नत में आप सबको खुश आमदी। तो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा सवाल ये है, HMW 1201678 मॉडल नंबर में इसका ड्रम बड़ा है, 12 kg की है। इसके अंदर वैसे तो कोई एरर नहीं आता, लेकिन एक जो है बहुत सारे कमेंट्स में व्यूवर्स को जो है ये प्रॉब्लम आ रही है कि जब वो इसके अंदर एक या दो सूट भी डालती हैं तो क्या होता है कि वो मशीन वॉश तो कर देती है, वॉश करने के बाद क्या करती है कि वो स्पिन नहीं करती, वापस बार बार रिंस पर जो है चली जाती है और मशीन बार बार रिंस लेकर पानी डालना शुरू कर देती है। तो इसकी वजह क्या है और ये ऐसा क्यों करती है? तो व्यूअर्स, इसकी वजह ये है कि पहले तो इस मशीन के अंदर जो है एक सेंसर लगा दिया गया है, जिससे इस मशीन को पता लग जाता है कि मेरे अंदर जो कपड़े डाले गए हैं उनमें गठरी बन गई है, वो आपस में गठरी बन गए हैं, जुड़ गए हैं, खुले हुए नहीं हैं। तो मशीन उसको अपने एरर को खुद ठीक करने की कोशिश करती है, यानी कि वो दोबारा रिंस पर चली जाती है, पानी लेती है ताकि पानी ले और वो किसी तरीके से पानी से वो गठरी खुले ताकि वो बाद में आराम से उसे स्पिन कर सके। तो ये मशीन के बहुत अच्छा सेंसर इसके अंदर दिया गया है। इस वजह से जो व्यूअर्स ये कंप्लेन करते हैं कि जी वो स्पिन पर नहीं जाती, बार बार रिंस पर चली जाती है, पानी लेना शुरू कर देती है, क्योंकि वो मशीन अपनी प्रॉब्लम खुद सॉल्व करने की कोशिश करती है। ये इसकी इंटेलिजेंसी है, जो कि मैं इससे बहुत इम्प्रेस हुई इसकी इस इंटेलिजेंसी से। इसके अलावा अब ये क्यों है, मतलब ऐसा क्यों होता है? ऐसा इस वजह से होता है कि जहाँ आपने वॉशिंग मशीन रखी है, वैसे ज़्यादातर व्यूअर्स जो हैं वॉशिंग मशीन को फ्रिज की चौकी पर रखते हैं, जो प्लास्टिक की फ्रिज की चौकी होती है। उसके लिए मैं आपको यही बोलूँगी, और मैंने पहले भी अपनी वीडियो में बोला है कि काइंडली आप मशीन को डायरेक्ट फ्लोर पर रखें या थोड़ा सा सीमेंट की चौखट बनाकर थोड़ा सा ऊंचा कर लें, अगर आपने ऊंचा करना है और आप नहीं चाहते कि पानी बार बार फर्श, टॉयलेट या जहां भी आपने वॉशिंग मशीन रखी है पानी लगे और उसकी बॉडी ख़राब हो, तो उसके लिए आप सीमेंट की चौखट बना के थोड़ा सा ऊंचा उसे रख सकते हैं। अच्छा, फ्रिज की चौकी पर रखने के बाद क्या होता है कि मशीन का जो बैलेंस है वो ख़राब हो जाता है, अनबैलेंस हो जाता है, उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम आती है बार बार। अगर एक सूट भी इसके अंदर डालें तो वो गठरी बन जाते हैं और फिर वो सही वॉश नहीं होते, सर्फ उनमें रह जाता है और इसके अलावा जो है वो बार बार रिंस पर चली जाती है, स्पिन नहीं करती कपड़ों को। तो उसके लिए आपने क्या करना है? उसके लिए आपने सिंपल सा एक सोल्यूशन ये है कि आप सबसे पहले हायर कंपनी को कॉल करें, उनके टेक्नीशियन को बुलाएं। टेक्नीशियन आएगा, वो एक बैलेंस मेजरमेंट होता है बैलेंस करने का, वो आएगा आपकी वॉशिंग मशीन पर रख कर देखेगा कि मशीन का बैलेंस ठीक है या नहीं है, अप एंड डाउन तो नहीं है। तो वो ये चीज़ चेक करके आपको फ्रिज की चौकी, बेशक आप फ्रिज की चौकी पर ही रख लें, वो उसी में आपको बैलेंस उसका ठीक कर दे देगा। पहला हल तो यही है। और दूसरा एक आम वजह है जिसकी वजह से हो जाता है कि इसका मशीन का ड्रम बड़ा है, तो ये वॉशिंग मशीन एक या दो सूट वॉश करने वाली नहीं है, ये माशाल्लाह से थोड़े से ज़्यादा, यानी कि 4 से 5 सूट आप एक साथ इसके अंदर वॉश करें तो ये वॉशिंग मशीन बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। अगर आप फैमिली, मैं इससे पहले भी अपनी वीडियो में बताती रही हूँ और हर दफ़ा यही बोलती हूँ कि मशीन लेने से पहले आप अपने फैमिली मेम्बर्स को देखें और देखें आपकी ज़रूरत कितनी है। अगर आप मियाँ बीवी हैं और एक दो बच्चे हैं, तो अगर आप 12 kg 15 kg की ले रहे हैं तो उसमें देखें ड्रम बड़ा है और उसमें आप कपड़े कम डालेंगे तो ये आपको प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि उसका ड्रम बड़ा होता है तो वो ज़्यादा कपड़ों को हैंडल करता है और बहुत अच्छे से चलता है। लेकिन अगर आप एक या दो सूट डालेंगे और जो है 15 kg और 12 kg में, और वो आपको प्रॉब्लम ये इस तरीके से गठरी बन जाएगा और बार बार रिंस पर चली जाएगी, स्पिन नहीं करेगी वॉशिंग मशीन, तो उसके लिए आप बेहतर है कि 9 kg ले लें। तो अपने अकॉर्डिंग टू जो है आप अपनी वॉशिंग मशीन को देख सकते हैं कि हमने 9 kg लेनी है, 12 kg लेनी है या 15 kg लेनी है। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास अगर अल्हम्दुलिल्लाह बजट है तो आप 15 kg की ले लें, लेकिन आपने इसके अंदर वॉश तो
जस्ट एक या दो सूट ही करने हैं, तो उसके लिए बेहतर ये होगा कि आप 9 kg लें। और ये चूँकि 12 kg की है, बहुत सारे व्यूवर्स को इसके अंदर भी प्रॉब्लम आता है, वो कहते हैं जी हम ज़्यादा कपड़े नहीं डालते लेकिन उसके बावजूद गठरी बन जाते हैं। तो नंबर वन, आप टेक्नीशियन को कॉल करें, वो आपकी मशीन का बैलेंस चेक करेगा। नंबर टू, आप इसके अंदर ज़्यादा कपड़े डालें कम, क्योंकि इसका ड्रम बड़ा है, अगर आप इसके अंदर कम कपड़े डालेंगे तो वो गठरी बन जाएंगे और वो सही से स्पिन नहीं कर पाएगी वॉशिंग मशीन, उसको बार बार ये प्रॉब्लम आएगी। तो उम्मीद है आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई होगी और बहुत अच्छे से आपने इसको सुना होगा। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और हाँ, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा ताकि आप मेरी हर आने वाली वीडियो से अपडेट रहे। इसके अलावा आप मुझे फेसबुक और इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।